दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट वन में आपने देखा कि कैसे एक बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को ढक दिया, तापमान गिर गया, पृथ्वी पे रहने वाला सारे डायनासोर का अंत हो गया, डायनासोर का काल समाप्त हो गया। लेकिन डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। आखिर कौन थी वो नई प्रजाति? उससे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान भारत में। तो सबसे पहले मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर देना ताकि कुछ बढ़िया आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट वन को देखना मत भूलना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है यार, जाके पहले वो देखो। दोस्तों, डायनासोर के अंत के बाद जो नई प्रजाति आई वो प्रजाति थी मैमल्स की। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय को गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। धरती की सतह पे फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और जो धरती पे 10% जीव बच गए थे उनसे बहुत सारे नई प्रजातियों का निर्माण होने लगा। 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई, लेकिन अचानक धरती में फिर से हलचल शुरू हो गई, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। ये वही भूमि भाग्य है जहां से अधिकतर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी ये हमारा भारत है। इन दोनों द्वीपों को आपस में टकराते ही एक नए पर्वत शिला का निर्माण हुआ जिसका नाम था हिमालय, और ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। इन पर्वतों से गिरने वाला बर्फ कई नदियों का निर्माण करने वाला था जो भविष्य में दुनिया की आधी आबादी को पीने का पानी देने वाली थी। लेकिन यहाँ धरती पे अब भी कुछ कमी थी। धरती पे अभी भी कोई चीज लापता थी, वो था हम मनुष्य। ये है हमारे काफी दूर के रिश्तेदार द ग्रेट एप्स। हमारी परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप से हुई। कई हजार साल के विकास के बाद हमारे पूर्वज अब दो पैरों पे चलने लगे थे। इससे इनकी ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया था। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वज ने आग की खोज की और ये उस समय का सबसे बड़ा खोज था। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब एक साथ रहने लगे। आग में पका मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। हमारे पूर्वज अब दुनिया के सबसे होशियार जानवर हो गए थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुँचाने के लिए अलग अलग आवाजों में बात करनी शुरू कर दी। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई साल के विकास के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। होमो सेपियन यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जीव के तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार था, भाषा था और दिमाग था। आज से करीब कुछ मिनट पहले हमने और आपने मिलके 4.5 अरब साल पहले का सफर तय किया। अब हम वापस घर आ चुके हैं। ये है हमारी दुनिया। आज हम काफी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। आज हम अपने आसपास घटने वाले घटनाओं को पूरी तरह से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जीवन कैसे शुरू हुआ है और हम बहुत विकसित कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा जीवन खत्म नहीं हुआ। हमें और आगे जाना है। हमें अपनी दुनिया को और अच्छे से समझना बाकी है और खुद को और अपने देश को बहुत आधुनिक बनाना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सफर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत देश।